माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों संविधान की चर्चा देश में खूब हो रही है और संविधान को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने नैरेटिव हैं। कोई संविधान को लेकर लाल रंग का जो गुटका है, गुटका संविधान का जो गुटका वो है वर्जन, उसको लेकर के कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के नेता वो लगातार घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उसका पलटवार करने के लिए आपातकाल की बात कर दी। आपातकाल को लेकर जो है वो बाकायदा संसद के अंदर प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से आंखें क्यों मूंद रहे हैं, ये सवाल आज बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मणिपुर आपको अच्छी तरह से याद होगा, मणिपुर में किस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरह से उनकी वीडियो बनाई गई थी और पूरा देश उससे विचलित हुआ था और विपक्ष ने इस पर सरकार को खूब घेरा, जो जरूरी भी था क्योंकि इस तरह की घटना हो जाए देश खामोश रहे ये तो हो नहीं सकता। विपक्ष ने इस सरकार को घेरा, सरकार की घेराबंदी की, जवाब मांगा, लेकिन अब मणिपुर जैसी घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल में एक महिला को सिर्फ इसलिए निर्वस्त्र कर दिया गया क्योंकि वो बीजेपी की सपोर्टर थी। सोचिए हम महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक। जो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो राजनीतिक भावना है, जो राजनीतिक दुश्मनी है, वो महिलाओं से निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये हॉरर इंसिडेंट कूचबिहार में हुआ। कूचबिहार में बीजेपी की एक मुस्लिम महिला जो माइनॉरिटी, बीजेपी माइनॉरिटी सेल से जुड़ी हुई थी, उसको बाल से पकड़कर खींचा गया, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसको हिट किया गया और उसको निर्वस्त्र करके सड़क पर छोड़ दिया गया। यह सब कुछ हुआ लेकिन दिल्ली में बैठे संविधान के ठेकेदार खामोश हैं। मैं यहां संविधान के सभी ठेकेदारों की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि संविधान के ठेकेदार इन दिनों सब बने हुए हैं, लेकिन संविधान के ठेकेदार पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं का अधिकार है, पश्चिम बंगाल में जो लोगों का अधिकार है, उस अधिकार के हनन पर खामोश रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। और पश्चिम बंगाल को लेकर अब बीजेपी ने इसको लेकर के एक बार फिर से हमला किया है पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार पर। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है और वह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं दो टूक में हमने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर कई बार कार्यक्रम किया और अब तो कई बार मुझे लगता है कि हम इसी तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, लेकिन बंगाल में कुछ बदलता नहीं तो हम ये जो कार्यक्रम करते हैं इसके मायने क्या हैं? क्या देश में कहीं सुनवाई हो रही है? क्या बंगाल का जो भद्र लोग जिसको कहते हैं वो चिंतित होता है इन सब चीज़ों से? मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो, मणिपुर को हम रिपोर्ट करें और बंगाल पर रिपोर्ट ना करें, ये कैसे हो सकता है? बहरहाल बीजेपी ने इस पूरे मसले को लेकर के अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पश्चिम बंगाल में भेजी, जो लगातार हिंसा हो रही थी, बीजेपी का आरोप है उसके कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, और इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी उसकी रिपोर्ट आज बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य थे उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी। और बीजेपी ने कहा है कि जो बंगाल है
ममता का बंगाल मिनी पाकिस्तान हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। आप बंगाल को, ममता के बंगाल को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। ये सवाल बीजेपी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह बंगाल को लेकर मिनी पाकिस्तान क्यों कह रही है, वह सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन बीजेपी का आरोप अपनी जगह है और बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह है। तो बंगाल में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो लगातार हिंसा हो रही है, वो हिंसा क्यों नहीं थम रही, लगातार क्यों ऐसा हो रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद पूरे देश में कहीं हिंसा नहीं होती, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव शांतिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव ऐसे शांतिपूर्ण नहीं होते। ये तमाम सवाल हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। बीजेपी की टीम जो है, जिसने अपनी रिपोर्ट आज सौंपी उस मुस्लिम महिला को लेकर भी, जिसको निर्वस्त्र किया गया था, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, उसको लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो बीजेपी ने रिपोर्ट तैयार की, वो बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी, उसके बाद बीजेपी ने क्या कुछ कहा और टीएमसी इस आरोप पर क्या कह रही है, जरा सुनिए। बहुत पीड़ादायक स्थिति है और सबसे पीड़ा इस बात की है कि खौफ, डर, लोग वोट नहीं देंगे, वोट दोगे तो वोट के बाद आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आपको पीटेंगे और आपके परिवार को भी तंग करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं थीं, हम लोग उन लोगों से मिले, बलात्कार किया गया, निवस्त्र किया गया, वहाँ धमकी दी जा रही, लोगों को पानी नहीं पीने देंगे क्योंकि बोरिंग बनाया है ममता जी की सरकार ने। ये तो तालिबानी राज्य है और पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस टीएमसी की असिस्टेंट बनी हुई है, ये देखा। और ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग ममता जी के अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ उनके लोग लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, और संविधान की धज्जियां उड़ती हैं कि एक शेड्यूल कास्ट महिला जिससे बलात्कार होता है, एक शेड्यूल कास्ट महिला जिसके सर को दुकान तोड़ी जाती है और सर पे चोट की जाती है, एक हमारी भाजपा की नेता को बूट से उसके पैर को रोना जाता है, हाथ को, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक होता है कार्यकर्ता में आपस में लड़ाई होता हुआ अलग विषय है, किंतु महिला को रेप करना, निवस्त्र करना, एससी एसटी महिलाओं को घर से निकाल देना और इनके पूरे जमीन जायदाद लूट लेना, ये तो एक माने जिसको बोलता है जंगल राज बना के रखा हुआ है। और एक महिला मुख्यमंत्री होके ये बहुत ही निंदाजनक है, बहुत ही लज्जाश्कर है। और जमीन जायदाद गरीब आदमी है, उनका खेती काट के लेके चला गया, घर बुलडोजर से तोड़ दिया, तो ये जो माहौल बना करके उसके ऊपर सबसे खराब बात है। पुलिस वहाँ तृणमूल के कैडर बन के काम कर रहे हैं, पुलिस अपने थाने में गए जाने के बाद कोई एफआईआर नहीं करा सकते, आप अब कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते हैं, पूरा बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गंगाधर कायल जो बोल दिया ना संदेश खाली में, जो पैसा देकर वो सब नाटक कर रहा है, ऐसा कोई एपिसोड होगा। तो बीजेपी के आरोप हैं और तृणमूल कांग्रेस कह रही है ये तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन बंगाल में सब कुछ जो है ठीक हो, सब कुछ शांति से हो, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी के आरोप कितने सही हैं ये हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन बंगाल में सब कुछ सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाने माने फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी, इन दिनों एक और फिल्म की जो है तैयारी में लगे हुए हैं, वो फिल्म उनकी दिल्ली फाइल्स है।
लेकिन इस फिल्म की रिसर्च के दौरान वो पश्चिम बंगाल में भी कई बार गए और हाल ही में उन्होंने बंगाल को लेकर एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो का एक हिस्सा भी आपको सुनाता हूं जो ये हमको सचेत कर रहा है और ये बता रहा है कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर बंगाल, ममता का बंगाल, मिनी पाकिस्तान जो बीजेपी कह रही है, अगर मिनी पाकिस्तान नहीं बनाए तो कम से कम 80 और 90 के दशक के कश्मीर में जो कुछ था वो उस रास्ते पर जरूर जा रहा है, ऐसा विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं। सुनिए जरा। मैंने बंगाल में पिछले 2-3 साल से काफी टाइम गुजार रहा हूं, थोड़ा उसको अंडर द कवर रखता हूं, खामोश रहता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि वहां भी इस तरह की कई पॉकेट्स हैं जहां पे इसी तरह की मानसिकता डेवलप हो रही है। वो मानसिकता ये है कि हम भारत के पार्ट नहीं है, हम इन लोगों से अलग हैं, और ये एक एंटी हिंदू, एंटी हिंदुइज्म, एंटी इंडिया एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है, और इस माइंडसेट को सपोर्ट करने वाले हैं अर्बन नेक्सस। बंगाल में भी एक इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है जो मेरे को ऐसा लगता है अपने सेकंड या थर्ड स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज होता है एक नैरेटिव क्रिएट करना, सेकंड फिर एक गैसलाइट करना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना कि एक लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में क्लैश करवा देना, और एक इसने किया कि उसने किया, इसने क्या किया उसने किया, आपको लगेगा दोनों ही झूठ है जबकि ऐसा तो संभव नहीं है, और आप उससे इनडिफरेंट हो जाएंगे, आप उसको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए देखिए बंगाल है उसमें एग्जैक्टली जिस तरह की कश्मीर में इलेक्टोरल वायलेंस होती थी इलेक्शन के वक्त में, उस तरह की वायलेंस होने लगी है, भयंकर वायलेंस होती है वहां पे। और आप अभी गूगल कर लीजिए, जब सुनते सुनते मेरे को हाईएस्ट वायलेंस जो है इलेक्शन के टाइम में होती है और बारबेरिक। और दूसरी चीज जो है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा गठा जा रहा है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए, नहीं वो इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आए, जो एक डेमोग्राफिक चेंज स्लोली बिल्कुल कश्मीर की तरह हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो एक ज्योग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एजुकेशनल लेवल पे जो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसको डिनाई कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर में भी यही हुआ था, सब लोगों ने इन तीन चीज़ों को डिनाई किया था। और चौथा जो इसका पिलर है वो है मीडिया, इन्फॉर्मेशन। अब तो इन्फ्लुएंसर्स जुड़ गए उसी मीडिया में, यूट्यूब भी जुड़ गया है, तो मीडिया आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई एम वार्निंग यू कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंगाल जो है वो कश्मीर के बाद एक नई लेबोरेटरी बन रहा है, और ऐसा ना हो कि जिस तरह आप मुझे बताइए, आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो सुंदरबन का संदेश खाली वगैरह का जो पूरा एरिया है, क्या आप कभी प्लान करते हैं तो क्या आप बिना किसी फियर के, बिना किसी आशंका के वहाँ पर जा सकते हैं? विवेक अग्निहोत्री ने कुछ सवाल भी उठाए, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और जो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि जो सुंदरवन जैसे इलाका है, क्या आप कभी वहाँ पर बिना डर के, बिना किसी खौफ के जाने का प्लान करते हैं? इसका जवाब आप सब सोचिए। लेकिन इस बीच जैसे मैंने कहा ना कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर एक छोटा सा क्लिप और दिखाता हूँ, फिर मैं आज की डिबेट पर भी आऊँगा। ये वीडियो क्लिप जो है बंगाल की एक अदालत का है और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालाँकि इस पूरे वीडियो को लेकर कुछ आरोप लोग लगा रहे हैं, वो आरोप कितने सही हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता, और हो सकता है वो आरोप लोग जो हैं सोशल मीडिया का एक र्यूमर भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें सच है वो देखिए जरा। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। आपने कि जानें की करे पंचायत चलाते हैं? आपने कि स्कूले कोनो दिनो गेछेन? जेटा बोले सेटा आमी सिग्नेचर करी। जेटा बोले दे आपनी सिग्नेचर करे दें? आपनी तो जानें ना ওর ভেতরে কি লেখা আছে। আপনি কি জানেন হাজবেন্ড ইজ রানিং দ্য শো and she is there in front. কি কাজ করতে হয় আপনাকে পঞ্চায়েতে? কোনো কাজ করতে হয় সেটা সার্টিফিকেট দিতে হয়। तो एक महिला वहां सरपंच बन गई और उसकी जब पेशी हुई अदालत में तो जज साहिबा ने जब सारी चीजें पूछी तो उस महिला के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, और जज साहिबा ने कहा कि इसका मतलब शो जो है, जो 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 दरअसल पूरे कागज पत्थर जो पूरा शो है वो उनके पति चला रहे हैं। जज साहिबा ने यह टिप्पणी करी। और इसके अलावा जब जज साहिबा ने पूछा कि भाई कौन सी पार्टी से आपका संबंध है तो इस महिला ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस से, इसके वकील ने बताया तृणमूल कांग्रेस से। और उसके बाद जब जज साहिबा ने बाकी चीजें पूछी तो जज साहिबा ने साफ तौर पर देखा
कि उनके नाम से जो दस्तखत हो रहे हैं, कागज जो चल रहे हैं, वो महिला देख भी नहीं सकती, कोई और चला रहा है, इस पूरी सरपंच बन बैठी। उन्होंने सरपंच बनने पर भी सवाल उठाया और जज साहिबा ने ये भी कहा कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए अपने पद से, क्योंकि आप इस पद पर रहने के लायक नहीं है। ये तमाम चीजें जो है ये हो रही थी, और कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि ये महिला जो है वो बांग्लादेशी है और इसके फर्जी दस्तावेज थे जिसको इस तरह से सरपंच बना दिया गया। ये आरोप कितने सही है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सही है जो जज साहिबा ने भी कही कि भाई आपका शो कौन रन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह से बंगाल चल रहा है ये उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठाता है। इन सब सवालों पर आज चर्चा करेंगे, और मेरे साथ आज जो मेहमान इस डिबेट में मौजूद हैं, आइए मैं परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ आज की डिबेट में प्रियंका टिबरेवाल जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील भी हैं, और इन्होंने बीजेपी के जो कई केसेस हैं, बीजेपी महिलाओं के साथ विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही थी, जो बलात्कार हुए थे, ऐसे कई केसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हाई कोर्ट में, जिनको वहाँ की सरकार ने मानने तक से इनकार कर दिया था, पुलिस ने जिनके बारे में FIR लिखने तक से इनकार कर दिया था। प्रियंका टिबरेवाल है मेरे साथ, तौसीफ अहमद खान है, तौसीफ जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और TMC के सपोर्टर हैं, और इस वक्त इस पर वो TMC को लेकर के वहाँ पर जो कुछ बात है या अपने हिसाब से वो इसको कैसे देखते हैं वो सब बताएंगे। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में योगिता भायना जुड़ रही हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के ऊपर जब कभी भी कहीं कुछ अत्याचार होता है उस पर लेकर आवाज़ उठाती हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं तौसीफ जी से ज़रूर सवाल पूछूंगा जो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन प्रियंका जी मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ है जो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसकी रिपोर्ट को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मैं इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, कहीं पर लिखा है कि बीजेपी ने कहा कि मिनी पाकिस्तान बन गया है, किसी ने कहा वहाँ तालिबान रूल है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों बंगाल के लिए? क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं, भद्र बंगाली लोगों की क्या ये तौहीन नहीं? देखिए, क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं कि आए दिन औरतों के साथ इस तरह के बलात्कार के मामले सामने आते हैं? क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं कि एक जगह तो आप कहते हैं कि हम 5,530 करोड़ रुपया मदरसाओं को देंगे ताकि वो शिक्षित हो सके, मुसलमान वर्ग आगे बढ़ सके, और एक तरफ एक मुसलमान औरत को नंगा करके सड़क पर छोड़ दिया जाता है, मारा जाता है, बालों से घसीट करके 2 किलोमीटर तक माना जाता है? क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं? क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं कि एक भी चुनाव बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता? क्या ये बंगाल की तौहीन नहीं कि पंचायत का चुनाव हो तो भी 130 लोग मारे जाते हैं? क्या ये सब कुछ बंगाल की तौहीन नहीं? देखिए, बंगाल एक बहुत ही भद्र समाज से आए हुए लोग बंगाल से आए हुए माने जाते थे, मगर इन सरकारों ने पश्चिम बंगाल का रूप ही बदल दिया है, जहां पर ये रोहिंग्याओं को दिन भर घुसाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि ये चाहते हैं कि वो उनको उनके वोट में फायदा दे, वोट बैंक बने। मैं कहती हूँ आपसे, यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री, ये जो लोग कहते हैं ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स, इनको किसी से प्यार नहीं, ये सिर्फ अपने वोट के लिए जो है उनका इस्तेमाल करती हैं। तो एक कम्युनिटी का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वोटों के लिए। देखिए ना, अगर होता तो आज उसी कम्युनिटी से आई हुई एक औरत इस तरह से सड़क पर बेआबरू नहीं होती, बेइज्जत नहीं होती और उसे नंगा नहीं किया जाता। तो ये सब कुछ भी देखना बहुत जरूरी है। TMC ने ये मान लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि हिंसा के बिना वो टिकी नहीं रह सकती, इसलिए हर चुनाव का बेसिस ही यहाँ पर हिंसा होती है। देखिए, अभी मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इससे पहले डिबेट में कह रहे थे और फिर कहेंगे, कह रहे ये तो घरेलू मामला था, ये तो ऐसा कोई पॉलिटिकल मामला ही नहीं। उससे पहले मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जब मणिपुर जैसे मुद्दे होते हैं तो आप एकदम भड़क जाते हैं, इनके नेता इधर उधर दौड़ने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं कि हमें तो वहां जाना है, औरत की इज्जत खतरे में है, एक औरत को नंगा कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भी औरतों को नंगा करके परेड कराया गया था और इस बार फिर एक औरत को नंगा किया गया, तो क्या पश्चिम बंगाल की औरतों की इज्जत नहीं? क्यों आप मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के लिए चुप रहे और ये कह देंगे ये घरेलू मामला है? तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए आपकी बात अगर कोई मान भी ले कि घरेलू मामला है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, किसी औरत को नंगा कैसे किया जा सकता है समाज में? ओके, कहाँ है आपकी पुलिस? कहाँ है आपका कानून? ओके, तो सवाल फिर तौसीफ अहमद जी, तौसीफ जी आपसे है। तौसीफ जी, सवाल यही, जो रोशन आरा खातून जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ,
आखिर उसको किस बात की सजा मिल रही है? क्या वो बीजेपी की कार्यकर्ता है इसलिए? और फिर सवाल वही है कि जिस तरह से जो तस्वीरें आई मैंने ब्लर करके दिखाया, और वो तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए किसी को, वो बड़ी विभत्स तस्वीरें हैं, और अभी भी वो महिला हॉस्पिटल में है। ये बंगाल में आए दिन की चीज़ हो गई है इस तरह की चीज़ें होना। और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अगर ये कहें कि बंगाल में तालिबानी राज है जहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो फिर उसमें गलत क्या है? देखिए अशोक जी, बंगाल में किसी तरीके से सत्ता हासिल कर लिया जाए ये मंशा है बीजेपी का, उन्हें राजनीति करना है। और राजनीति करने के चक्कर में, किसी तरीके से सत्ता हासिल करने के चक्कर में ये हमेशा बंगाल को गाली देते रहते हैं। अभी मेरी बहन प्रियंका जी ने कह दिया कि भद्र समाज बंगाल हुआ करता था। क्या ये मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाता? क्या ये करोड़ों करोड़ लोग जो बंगाल में रह रहे हैं उनको ये ठेस नहीं पहुंचाता? देखिए, जुर्म कौन सा दुनिया का ऐसा जगह है जहां पे जुर्म नहीं होता? बंगाल में एक जुर्म हुआ, ये जो कूच बिहार का हादसा है यहाँ पे एक जुर्म हुआ, बहुत गलत जुर्म हुआ, बहुत भयानक हुआ, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? क्योंकि दिल्ली में टर्मिनल गिर गया, नरेंद्र मोदी के सरकार पे सवाल उठा हुआ है ताकि मणिपुर में कोई चर्चा ना हो, ये क्या कर देंगे? देखो बंगाल में ऐसा हुआ, ये बढ़ा चढ़ा करके राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम लाते हैं और बीजेपी तृणमूल यहाँ करने लगते हैं। भाई जो पीड़ित हैं उन्हीं के परिवार वाले, नहीं प्रियंका जी अभी आपको मौका दूंगा, एक मिनट आप देखिए, जो पीड़ित हैं जो विक्टिम है जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके ही रिश्तेदार हैं जिनको अरेस्ट किया गया। पहला तो ये मामला फैमिली फ्यूड का है, मैं नहीं कह रहा, वेस्ट बंगाल पुलिस ने बाजाब्ता स्टेटमेंट इशू किया है और पब्लिक इशू के लिए स्टेटमेंट इशू किया कि कोई अफवाह ना फैलाए, कोई इस जुर्म को कम्युनल एंगल या पॉलिटिकल एंगल ना दे। भाई चार महिलाएं थी, तीन महिलाओं ने मिलकर एक महिला के साथ मारपीट किया और कपड़ा फाड़ दिया, फिर उसके बाद उन्हीं महिला के रिश्तेदार ने वीडियो बना करके स्प्रेड किया, तीन आरोपी को, तीन पुरुष को जो कि उस महिला के खुद रिश्तेदार है, पुलिस ने अरेस्ट किया, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, और पुलिस ने सारा स्टेटमेंट बाजाबता सोशल मीडिया में डाल दिया, क्योंकि बीजेपी सोशल मीडिया वाले टीम जो है इसमें लग जाते हैं, अमित मालविया जी का ट्वीट आ जाता है, फोटो आ जाता है, उसके बाद सारे बीजेपी लीडर एक ही गाना गाने लगते हैं। लेकिन उसे पॉलिटिकल कलर दे करके आप जुर्म को जो है आप हल्का कर दो। तौसीफ जी, आज समाज में इंट्रोस्पेक्शन प्रियंका जी एक मिनट आपको मौका दे रहा हूँ, प्रियंका जी एक मिनट, मैं एक छोटी सी टिप्पणी उसके बाद में आप। तौसीफ जी, आपने कहा कि बंगाल पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया है, ठीक है वो किया होगा, और अभी आपने जो तर्क रखे मैं नहीं जानता, आपने जो बातें रखी प्रियंका जी उस पर रिबटल करना चाह रहे, लेकिन मेरा सिर्फ एक यहाँ पर इंटरवेंशन है। बंगाल पुलिस ने जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बलात्कार हुए थे तब बंगाल पुलिस ने किसी की कंप्लेंट नहीं लिखी थी, उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में गया तब हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब कुछ हुआ। तो बंगाल पुलिस जो कहती है उस पर कितना ट्रस्ट किया जाए मैं नहीं जानता। और आपने कहा बिल्कुल ये हर किसी को तकलीफ हो सकती है, जो अभी प्रियंका जी ने कहा कि भाई भद्र जन थे, लेकिन मुझे कई बार ना, मैं जब यहाँ डिबेट करता हूँ और जब बंगाल की चर्चा आती है मुझे खुद हैरानी होती है कि बंगाल के भद्र जन हैं कहाँ। बंगाल में हम इतना सब कुछ हो रहा है और इसके बाद भद्र जन बंगाल के आखिर बोलते क्यों नहीं? मैं देखता हूँ बंगाल की सेलिब्रिटीज, बंगाल के फिल्मकार, सब इंसाफ, मैं नहीं कह रहा कि हिंसा किसने करी, लेकिन इस हिंसा पे आप बोलिए तो सही। मुझे बंगाल के भद्र जनों पर अब शक होता है कि वो किस तरह की चुप्पी अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रहे हैं ये मामला जो है पुलिस ने इस पर सफाई दे दी है, और सीधी सी बात है ये घरेलू मामला था। अशोक जी, मेरे भाई तो गूगल और इंटरनेट से खबर पढ़ करके आए होंगे, अगर मैं हॉर्सेस माउथ की बात बोल रही हूँ, क्योंकि जिस महिला का आपने अभी नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये मामला जो है एक महिला की इज्जत का मामला है, उनके वकील के रूप में मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो उससे मेरी बात हो रही और सारी जानकारी मेरे पास है। उन्होंने आज मुझे कहा कि मैं जब होश में वापस आई तो मैंने देखा कि पुलिस ने जो है इस मामले में झूठ वीडियो सोमवार को ये लाइव रहेगा, आप सोमवार को देख लीजिएगा, क्योंकि वो महिला मेरे साथ चीफ जस्टिस के सामने जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो दिखाइए उनका स्टेटमेंट सर, एक मिनट फिर
भाई तौसीफ, तुम तो कोर्ट जाते हो ना मेरे भाई, तुमको मैं अपने साथ इस मामले में रखूंगी, तुमको उस महिला के लिए आवाज उठानी चाहिए, जरूर आना। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, आप तो आई नहीं। ऐसा है, देखिए देखिए, ऐसा है कि उस महिला ने साफ कह दिया कि ये जो सारा मुद्दा है इसमें मेरे ही घर वालों के ऊपर गलत फेक केस दे करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, मेरे बहनोई को और मेरी सिस्टर इन लॉ को इनको अरेस्ट किया गया है। तो ये मामला आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर किस तरह के फेक केसेस देने में माहिर है, ताकि इसको पूरा सजाया जाए कि ये कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए मणिपुर इनके लिए मुद्दा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की औरतों को अगर मार दिया जाए तो मुद्दा नहीं, पश्चिम बंगाल में लोगों को अगर पेड़ से और लैंपपोस्ट से लटका के मार दिया जाए तो भी मुद्दा नहीं। ये हमेशा कहेंगे आपसी आपसी मतभेद में हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि संविधान का सातवां स्केड्यूल जो है वो क्या कहता है। वो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर आपके स्टेट में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है तो आप किसी और को क्या जवाब देंगे। ये आंकड़ों की बात कहते हैं, मैं आंकड़ों में बताती हूँ। 2022 1.48 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन पश्चिम बंगाल में रजिस्टर हुआ, और आप देखिए कि कन्विक्शन रेट क्या थी, 2.3%। ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वही उत्तर प्रदेश की कन्विक्शन रेट जो है वो 57% है, मगर फिर भी दर्द जो है इनको मणिपुर उत्तर प्रदेश के लिए होता है, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं। अगर जरा सा मैंने कह दिया कि भद्र लोग जो है वो आवाज नहीं उठा रहे, तो यहाँ बैठे भद्र लोग को बड़ा दुख हो गया, जो कि ये साबित करने पे तुला है कि उस औरत के साथ अगर नंगा कर दिया गया तो कोई बात नहीं, घर वालों ने ही नंगा किया था। तो ये कहाँ का कानून है जो किसी भी औरत को नंगा करने की इजाजत किसी को देता है। तौसीफ जी, जाहिर सी बात है मामला क्योंकि कोर्ट में है, और जो वो कह रही है प्रियंका जी कह रही है, वो खुद उस महिला का केस लड़ रही है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उस महिला का नाम लिया शुरू में, मुझे भी शायद इसको अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन प्रियंका जी ने कहा, वो खुद उनको बयान दिया। अब उसके वीडियो तो जाहिर सी बात है अदालत में जब मामला जाएगा तो उसको वीडियो तो हमें खैर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेहतर है कि ये मामला कोर्ट में जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन फिर सवाल वही है कि बंगाल से ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं, अभी हम विवेक अग्निहोत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बहुत बहुत खतरनाक वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो बंगाल को लेकर बहुत कुछ ठीक नहीं है सर, थोड़ा तो वहां अशोक पर... जी अशोक जी देखिए, आप अगर कोई ऑथेंटिक डेटा की बात करें, ऑथेंटिक गवर्नमेंट के किसी रिपोर्ट की बात करें, मैं उसको सर आंखों पे रखता हूं, लेकिन आप कृपया करके प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, ये विवेक अग्निहोत्री जैसा प्रोपागंडिस्ट का नाम ना ले, वो कौन है, वो एक प्रॉफिट में काम करने वाला, एक मिनट, नहीं देखिए प्रियंका जी, मुझे प्रियंका जी रुक जाइए, देखिए विवेक, प्रियंका जी रुक जाइए, देखिए आपने विवेक अग्निहोत्री की बात की, आपने उनका वीडियो भी चलाया, मैं शॉक्ड हूं, आपने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज का वीडियो चलाया, आप बेशक चला सकते हैं, वो कलकत्ता हाईकोर्ट की जज है, पब्लिक वीडियो में उनका वीडियो अवेलेबल है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री जो कि एक प्रॉफिट के लिए काम करने वाला व्यक्ति जो फिल्म बनाता है, हजार और भी बॉलीवुड में लोग हैं जो मूवी बना रहे हैं, आपने किसी का वीडियो नहीं चलाया, आपने विवेक अग्निहोत्री का चलाया जो कि बीजेपी के फेवर में, बीजेपी का प्रोपेगेंडा वाला और नफरत फैलाने वाला लोगों ने बॉयकॉट किया, तौसीफ जी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सेंसर बोर्ड ने उनके फिल्म को सेंसर किया। तौसीफ जी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में और भी लोग हैं, मैं और लोगों की भी बाइट भी चलाता हूं, मैं और लोगों को अपनी स्क्रीन पे भी लेकर आता हूं, मेरे यहाँ सब कुछ है, मैंने अगर टीएमसी वालों की बाइट चलाई तो वो भी, अगर उन्होंने जाकर कुछ रिसर्च करी तो हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, वो एकेडमिक नहीं है जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए सर, वो कमर्शियल मूवी बनाते हैं प्रॉफिट के लिए, ये नहीं, तौसीफ जी एक मिनट, तौसीफ जी मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा बहस का विषय विवेक अग्निहोत्री नहीं है, आपको उनका वीडियो चलाने पर एतराज हुआ, मैंने ये कहा कि मेरे पास जिसके वीडियो आएंगे मैं तो सबके चलाऊंगा, मुझे किसी के वीडियो चलाने में एतराज नहीं है, सुनिए तो सही ना आपको किसी की आइडियोलॉजी नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, मैं उसकी डिबेट में नहीं जाता कि आपको, और मैं फिर कह रहा हूं कोई दूसरा फिल्मकार होगा मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कश्मीर फाइल को लेकर अगर आपको परेशानी है तो कश्मीर फाइल को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई थी वो कश्मीर पे मैंने भी काम करा है, इसलिए मैं जानता हूं कश्मीर फाइल पे उनकी रिसर्च जो है सच्ची थी, क्योंकि मैं खुद कश्मीर पर रिसर्च कर चुका हूं, मैं खुद कश्मीर पे किताबें लिख रहा हूं, सुनिए सर फिल्मकार किताबें नहीं लिखेगा, अगर उसकी फिल्म हिट हो गई तो फिल्म कमाएगा, अशोक श्रीवास्तव की तरह किताबें नहीं लिखेगा कि किताब लिखेगा और उसमें जो रिसर्च करके वो जिसको जो आता है वो करेगा,
करेगा, पैसा कौन कमा रहा वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनकी रिसर्च से हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। आप उसको काउंटर कर सकते हैं, कह सकते हैं उनकी रिसर्च सही नहीं है, मैं मुझे स्वीकार है, लेकिन ये कहना कि भाई हम उसको पसंद ही नहीं करते, ये सब चीजें मुझे लगता है हमको इससे ऊपर। देखिए विवेक जी, आपने रिसर्च की बात की, देखिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया, आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति और आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पैनल में लोग पढ़े लिखे, आप भी जानते बहुत अच्छे तरीके से कि हर रिसर्च एक पीयर रिव्यूड पैनल के थ्रू रिसर्च को जो जिसकी होती है उसकी मान्यता होती है। कोई पीएचडी है, कोई स्कॉलर है, कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्च स्टूडेंट है, वो एक रिसर्च करने के बाद अपना पेपर देता है और उसका पीयर रिव्यू होता है। सर ये व्यक्ति जो अपनी प्रॉफिट के लिए सर, एक मूवी बनाता है पैसा कमाने के लिए, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं सरकारी चैनल पे? आप इस बात को प्लीज अभी योगिता जी सुनिए सर, योगिता जी ने अभी एक बात कही और उन्होंने हल्के से कही क्योंकि ताकि, पर मुझे लगता है हम सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं और सही बात है, एक महिला के साथ इस तरह का वहाँ पर पश्चिम बंगाल में होता है, देश में खामोशी रहती है, कहीं कोई बात नहीं हो रही, बंगाल में हिंसा को लेकर जो है चर्चा नहीं हो रही, हमें उस पर रहना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे, जब उनकी अगली फिल्म आएगी तो हम जरूर बैठकर बात कर लेंगे उनकी अगली फिल्म में कितना सच्चा है कितना झूठा है, लेकिन मुझे लगता है आज एक बार फिर मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। योगिता जी बहुत गंभीर है और ये नहीं कि सिर्फ बंगाल में हुआ है, कहीं देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आप चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चर्चा करते हैं, एक्शन लेते हैं, हम तो सड़क पे भी उतरते हैं, पर ये बहुत ही गलत है। अब देखिए वो उसकी वो राजनीति वहाँ की क्या है क्या हम, मैं तो संदेश खली खुद भी गई हूँ, पहले तो मुझे भी नहीं यकीन होता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, पर मैं जब वहाँ, जैसे आप कश्मीर में होके आए, मैं वहाँ वेस्ट बंगाल में मैं खुद देख के आई हूँ कि ये जो भी वहाँ पर हुआ वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो है। अगर हम देखिए हम एक हैं, एंड ऑफ द डे चाहे स्टेट्स अलग अलग पार्टीज़ या अलग अलग लोग रूल कर रहे हों, पर देश एक है, महिलाएँ तो हमारे देश की हैं, तो अगर उसको संगीन तरीके से हम चर्चा करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो अगर ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इनके राज्य में प्रॉब्लम है, मणिपुर से कंपेयर कर देंगे या कहीं और से कंपेयर कर देंगे, वो वहाँ तो बहुत गलत हुआ, हमने तब भी बात उठाई, स्टेट में कहीं भी होता, अभी मैं राजस्थान की एक बच्ची के लिए लगातार आवाज़ उठा रही हूँ, वहाँ तो बीजेपी का शासन है, हम तो धरना भी कर रहे हैं, मैं तो यहाँ आपके चैनल पे आके बोल रही हूँ, पर जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको एक्नॉलेज करके उस पर काम करने की ज़रूरत है, और डिफेंड जो कर रहा है वो उसमें पूरा भागीदारी है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम तो भाजपा से भी लड़ते हैं, लगातार कांग्रेस से लड़ते हैं, अभी टीएमसी से मेरा सवाल है, डिफेंड मत करिए कि घरेलू मामला था या बाहर का मामला था, ये गलत है। अगर आप इसकी जांच कराएं पूरी तरह से, चाहे परिवार अगर आप कह रहे हैं सम्मिलित है उनको अंदर कर दिया, एग्जैक्टली ये राजस्थान में भाजपा ने किया, पर मैं वहीं का वहीं सवाल खड़ा करके कह रही हूं कि आप इसकी जांच कराइए, जो आरोपी हैं ये दबाइए मत, छुपाइए मत, जो भी महिलाओं के खिलाफ छोटी सी भी अगर कोई अपराध करता है तो उसमें आपको संगीन होना पड़ता है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, यहाँ तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है ना कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता, राजनीति और दुश्मनी है, उसमें महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये मतलब इससे ज्यादा ओछी बात हो नहीं सकती, कुछ भी इससे ज्यादा ओछा कुछ हो नहीं सकता। ऊपर कब उठेंगे ये लोग? हाँ। ये कब लोग इस राजनीति से ऊपर, कोई भी पार्टियों में मुंह पर सवाल पूछती हूँ, यहाँ 2-3 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, उठ के बात कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा कैसे आए उसके लिए अपनी पार्टी में एक कमेटी बनाइए और उच्च स्तरीय बैठक कीजिए, अपने एमपीज को बोलिए राज्यसभा में, लोकसभा में, या सवाल उठाइए अपने विधानसभा में, चर्चा कीजिए, महिलाओं को सुरक्षित कीजिए, और पॉलिटिकल मोहरा महिलाओं को बिल्कुल मत बनाइए, जो भी ये हुआ है वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा पॉलिटिकल है, पर महिलाओं की लाज के ऊपर अगर आप राजनीति करते हैं तो बहुत शर्म की बात है, चाहे कोई भी पार्टी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद सैयद जवाद आपके पास भी आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो कुछ बंगाल में जो बीजेपी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भी मैं आऊंगा, उस रिपोर्ट को लेकर सवाल कई सारे उठ सकते हैं, उस पर भी इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का गांव यहाँ आ गया। जमिया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याद सबसे ज्यादा है। अगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याद भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इट्स अनदर 6। रिचार्ज जल्दी, रिचार्ज करा। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सर, उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं, ममता का मिनी पाकिस्तान, क्योंकि बीजेपी की रिपोर्ट ये कहती है, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो अभी बंगाल में जो चुनाव के बाद जो हिंसा लगातार हो रही है उसको लेकर जो 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 टीम गई उसने कहा कि ममता का मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है बंगाल, और वहाँ जो राज है वो तालिबान जैसा हो गया, और जिस तरह से एक महिला की तस्वीरें आई हैं उसको निर्वस्त्र जिस तरह से किया गया बंगाल में, आरोप ये चल रहे हैं कि सीधा सीधा उसको इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि वो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की सदस्य थी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं पर वहाँ राजनीतिक हमले भी हो रहे हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, प्रियंका टिबड़ेवाल जुड़ी हुई हैं बीजेपी की, तौसीफ अहमद खान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, TMC सपोर्टर हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस सपोर्टर हैं, और योगिता भायना मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वुमेन एक्टिविस्ट हैं। सैयद जवाद, मणिपुर में हमने देखा कि सर्वदलीय टीम गई थी विपक्ष की ओर से, आपको लगता है बंगाल में अब तक ये टीम नहीं गई है, वक्त आ गया जब बंगाल में एक सर्वदलीय टीम जाए और वहाँ पर इस तरह से महिलाओं पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एक सर्वदलीय टीम जानी चाहिए, उस पर रिपोर्ट बनाकर देनी चाहिए देश के सामने? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका और वक्त देने के लिए, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप मेरा माइक ऑफ नहीं करेंगे, और जिस तरीके से मैंने सबको सुना है उसी तरीके से सब मुझे शालीनता के साथ सुनेंगे। देखिए, घटना सामने आई, वीडियोज भी देखे, सोशल मीडिया पर भी है, दुखद घटना है और सख्त से सख्त कानूनी दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होनी चाहिए, और पश्चिम बंगाल सरकार जो है मुंह नहीं फेर सकती कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, होती है जरूर है, और सरकार का मैं मानता हूं कई जगह पर फेलियर भी है, इससे मुझे कहने में गुरेज नहीं। लेकिन अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोचिएगा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के ऊपर भी आरोप लगे थे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं के संरक्षण की जब बात करती है तो दिल में साहब एक तकलीफ ये होती है कि जो लोग बलात्कारियों का समर्थन करते हो, बलात्कारियों के समर्थन में यात्राएं निकालते हो, आज वो महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। आज मुझे बिल्किस बानो की भी बहुत याद आ रही थी जिस तरीके से एक घटना हुई थी और बलात्कारियों के समर्थन पे जाने में और उनको क्या कह करके जो है कराया गया था, तब ये शर्मसार नहीं हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? कठुआ के अंदर एक बच्ची के साथ होता है दुष्कर्म और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन में आके खड़े होते हैं, तब याद नहीं आती इनको? घटनाएं होती दिल को आहत करने वाली होती है। लेकिन अशोक भाई, आप भी पिता हैं, मैं भी भाई हूं, आप बताइए बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होंगे? हमारी बेटियां तो यही जंतर मंतर पे बैठी रही था, न्याय की गुहार लगाती रही कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के अंदर मुस्कुरा रहे थे। कहां चली गई संवेदनाएं? कहां चले गए बड़े बड़े एक्टिविस्ट? नहीं खड़े हुए थे। और ये विवेक अग्निहोत्री जैसे, मैं तो इनको छिचोरा डायरेक्टर कहता हूं, ये डायरेक्टर नहीं है भाई साहब, ये छिचोरे लोग हैं, समाज के अंदर वो गंध फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे समाज के अंदर ध्रुवीकरण होता है। ये भाषा आपके लिए भी कोई इस्तेमाल कर सकता है,
सुनिए सर, ये भाषा ना आपके लिए भी कोई, मेरे बहुत सारे दर्शक, सुनिए मेरे बहुत सारे दर्शक जो है ट्वीट करते हैं तो यही भाषा जो है वो आपके लिए भी बोलते हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें, आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं आपको, उन्होंने एक फिल्म बना, सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए आप, अरे आप मेरा माइक चालू है तो मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन एक दो चीजें आपकी थी, आपने शुरुआत ही बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट से करी, क्योंकि आजकल बड़ा एक पॉलिटिकल वो बन गया कि भाई संविधान हाथ में ले लो और ये कह दो मेरा माइक, तो आपने बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट से शुरुआत की, लेकिन मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं है सर, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल लाइन लीजिए, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा आपने इस्तेमाल की, मेरा अनुरोध है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे दर्शक आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको मना करता हूं कि भाई ऐसी भाषा का आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, उन्होंने एक फिल्म बनाकर आपकी राजनीतिक विचारधारा पर प्रहार किया, उससे आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें, एक बात। दूसरी बात, मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। दूसरी बात, आप अपडेट करना भूल गए सर अपने आप को, थोड़ा सा अपडेट रहा करिए, आपने कठुआ को लेकर जो बात करी बड़ी सही बात करी, लेकिन आप शायद अपडेट नहीं है, वो बंदा तो जिस कठुआ में जिसने रेप के बाद उठाया वो तो कांग्रेस के टिकट पर, जिस पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं उसी के टिकट पर चुनाव लड़ा इस बार, तो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आप पीछे चले गए होंगे, लेकिन आपको अपडेट रहना चाहिए सर, थोड़ा बहुत जानकारी जुटा कर डिबेट करना चाहिए, बोलिए। अच्छा अच्छा, मुझे पता है सर आप आएंगे इस टॉपिक पे लेके। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि घटनाएं होती हैं, आज करती, मुझे भी तकलीफ होती है, आपको भी होती है, तमाम लोगों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर किसी इंडिया अलायंस के किसी पार्टी के लोगों में होगी तो सवाल वहां पर भी खड़ा हो गया, और आपने खड़ा करा जिस वक्त दिल्ली के अंदर हुआ था, शीला दीक्षित जी की सरकार थी और सरकार चली गई, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया ने, लोगों ने दिखाया, और इस चीज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हम हमसे कहीं जगह पे चूक हो गई, आगे नहीं, मुंह नहीं छुपाया, समर्थन में नहीं खड़े हुए। ये होती है नैतिकता, जहां नैतिकता तय करी जाएगी तो दोनों तरफ से देखी जाएगा, तो भाई एक तरफा नहीं देख सकते, एक चश्मे से नहीं देख सकते, अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, और समाज के अंदर भी। सही जवाब, समाज में सही जवाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन लेकिन अशोक भाई, यहां से बड़ी बात कह रहा हूं, जब इस चीज को पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की जाएगी, आप बताइए कुचाहार में जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे कि वहां पर घटनाएं नहीं हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप नहीं लगे कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग और तमाम चीजों के आरोप नहीं लगे भारतीय, और वहां पर भी महिलाओं के साथ बदतमीजी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये रिपोर्ट आपने देखी नहीं देखी, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। हैरत की बात ये है, प्रियंका जी को तकलीफ होने लगी होगी, प्रियंका जी आप महिलाओं की बात करिए, अच्छा एक चीज, अच्छा एक चीज, एक चीज, प्रियंका जी आ जाता हूँ, प्रियंका जी एक मिनट, आप ही प्रियंका जी आपको मौका दूंगा, एक मिनट प्रियंका जी आपको, एक मिनट, एक मिनट, सही जवाब मैं एक बार, सही जवाब सुनिए मेरा मूल सवाल, मैं फिर उस मूल सवाल पर आ जाता हूँ। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही, कुछ आपने शब्द भी इस्तेमाल किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे, दोनों बातों पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने जो बोलना था बोल लिया, मैं सिर्फ एक बात, मैं अपने मूल सवाल पे फिर आ जाता हूँ, मणिपुर जाने वाले लोगों को क्या वहां जाकर फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजनी चाहिए? वहां तो साफ सामने है बहुत सी चीजें। अच्छा आपने मणिपुर का जिक्र करा, मैं भूल गया सर, मैं अभी अमित सर, सर सही जवाब सुनिए, शौक नहीं है कि मैं किसी का माइक बंद करूं, मैं चाहता हूं कि हम अच्छी डिबेट करें, लेकिन होता क्या है ना कि अब सुनिए मेरी बात, सुनिए होता क्या है ना कि विषय छोड़कर सब चीजों पर बोलते हैं। अभी ये डिबेट जा रही थी सीधा कहां जा रही थी, अभी डिबेट जो है विवेक अग्निहोत्री पे जा रही थी, खींचकर वापस लाना पड़ा, अब आप इसको दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपने जो सारी बातें कही ना, मुझे उस पर एक सवाल उठाना है, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट रुकिए, योगिता भाई ना मुझे एक सवाल उठाना है, मुझे इस बात की तकलीफ है, चाहे मणिपुर हो चाहे कहीं पर भी, होता क्या है आज बंगाल हो गया, अगर बीजेपी ने, अगर बंगाल, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने अगर किसी बंगाल की महिला के साथ खड़ी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बीजेपी को लोग याद दिलाने थे, अरे मणिपुर में तुम चुप थे, अब मणिपुर की जब बात होगी, जब मणिपुर में हुआ तब जो पार्टियां जाएंगी वो चुप हो जाती हैं। ये हमने प्रियंका जी एक मिनट आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब कभी हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं सब पिछला हिसाब गिनाने लगते हैं। इस घटना की जो गंभीरता है,
उसको कम करने के लिए आप इतिहास गिनाने लगते हैं, अरे तुमने ये किया तुमने किया। अरे भाई आज जो हो उस पर तो बात कर लो और आज जो हो उसका सोल्यूशन तो दे दो। मैंने सीधा सा सवाल पूछा सैयद जवाद से, क्या जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं और जो मणिपुर में गए थे, क्या उनको आज बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजनी चाहिए थी? पूरा ज्ञान आ गया मेरे पास कि देश में कट हुआ, मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आया जो मैं सवाल उठाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। एक मिनट रुकिए, अभी सवाल उनसे है, फिर आपको मौका दूंगा। ये भी स्टेटमेंट नहीं आया कि जो हुआ उसके लिए कोई दुख नहीं है इनको, चाहे तौफीक जी हो, चाहे उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक का आपने उनको दर्जा दिया, वो पर्टिकुलरली पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। देखिए मैं अगर सामाजिक कार्यकर्ता की तरह से बोल रही हूँ तो सबको ले रहे हैं, बट ये एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करके आप उनको पता नहीं क्यों ये तबका दे देते हैं राजनीतिक विश्लेषक का, वो नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको बता देना चाहिए वो कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफेंड करते हैं। सीमाओं से, धर्म से नहीं बांटना है बेटियों को, सबसे बड़ी बात हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि एक बार गंभीर होके बोलिए तो सही कि नहीं, कहीं पे भी देश में कहीं पे भी कोई भी पार्टी कोई भी धर्म हो कोई भी जाति हो, हमने वहां जाना है, अपनी बेटियों को बचाना है। मुझे देखिए, मुझे एक बार पूरी बात करने दीजिए ना, मुझसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। मैं किसी भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, 3 दिन पहले भाजपा के लिए धरना कर रही थी, एग्जैक्टली यही हरकत हुई है, एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ है और वहाँ माँ बाप को जेल में डाल दिया है, मैं अभी तक आवाज उठा रही हूँ। सही जवाब सुन लीजिए प्लीज। देखिए मैं बड़े आराम से सबसे डिबेट कर रहा हूँ, सही जवाब, मैं बड़े आराम से सबको मौका दे रहा हूँ, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, किसी की बात, लेकिन मैंने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब भी मैं आना चाहिए। अगर नहीं देना सवालों का जवाब, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जो मेरा दर्द है, जो सुनिए, जो मेरा दर्द है, आप कह रहे हैं आप बोलना चाहते हैं, मैंने आपको 2 मौके दिए थे, बोलिए आपको लगता है कि अच्छा, आप सुनिए मेरा सवाल फिर सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, मुझसे तो सुन लीजिए, मेरे भाई बहन 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप ही अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड बोलिए। सुनिए, अभी अशोक भाई ने मणिपुर का मुद्दा छेड़ा, दो बार मणिपुर के ऊपर अभी अमित शाह साहब ने एक मीटिंग ली थी और बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग थी, उसमें मणिपुर के सीएम खुद ने पहुंचे एन बीरेन सिंह, और मणिपुर की राज्यपाल खुद है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ऑल पार्टी टीम को जाना चाहिए बंगाल में, मेरा सवाल तो ये था ना, इनसे पूछिए। राहुल गांधी साहब तो मणिपुर गए थे। मैं यही कह रहा हूँ, राहुल गांधी मणिपुर गए थे लेकिन राहुल गांधी बंगाल नहीं जाएंगे, यही शर्मनाक बात है, इसी बात पे दिक्कत होती है। यूपी जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी में बोलेगी लड़की लग सकती है, बंगाल की लड़की, यही चीजें आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है सैयद जवाब, यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। अब सुनिए सैयद जवाब, अब आप चिल्लाते रहेंगे तो मुझे आपकी आवाज दोबारा डाउन करनी पड़ेगी। मैं किसी की आवाज को कम करने में नहीं, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपसे तीसरी बार आऊंगा, ठीक है, प्रियंका जी अपनी बात करने और उसके बाद तौसीफ जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, तीसरी बार आपसे सवाल पूछूंगा, जिस सवाल का जवाब मुझे आपको करीब करीब 7-8 मिनट दिए, वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, तीसरी बार कोशिश करूंगा। प्रियंका जी बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी अब वही कहेंगी जो उन्होंने मणिपुर के समय कहा था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो ये राय और ये मशवरा क्या वो टीएमसी की ममता बनर्जी को देंगे? क्या प्रियंका गांधी कहें जो कहती थी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी? और अगर नहीं तो मैं ये भी नहीं कहती कि मैं मणिपुर की उन्नाव की और इन सब बातों को करूंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ क्या हो रहा है ये मुद्दा है, उस पर बात करिए, अपने विचार उस पर बताइए। देखिए पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट में जो पोस्टपोल वायलेंस का मामला चल रहा है, इनको शायद ये भी नहीं पता, मैं सैयद साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि 26 तारीख तक कैलकटा हाईकोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेज जो है वो यही डिप्लॉय थी, और उसके बावजूद भी कैलकटा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट को लगे सब ठीक है, मगर केंद्र को अगर लगे कि यहाँ वायलेंस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वो सुरक्षा बलों को यहाँ पर वापस ही डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस तो रुकने का नाम नहीं ले रही। 26 तारीख को ये ऑर्डर आया और 27 तारीख को ये हादसा हुआ, तो आप देखिए हर जगह वायलेंस हो रहा है, मगर ये जो कहते हैं कान के बहरे और यहाँ के अंधे नाम हेंसुक, इनको कुछ नहीं दिख रहा, ये वर्लपूल की तरह बातों को घुमाएंगे ताकि मुद्दा और जो विषय है वो इधर उधर हो जाए। क्या पश्चिम बंगाल की बेटी आज आप लोगों से दया की गुहार नहीं लगा सकती? ओके,
सही जवाब। सैयद जवाद रुकिए, चिल्लाने से आप डिबेट नहीं जीत जाएंगे। सैयद जवाद की आवाज नीची कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। सैयद जवाद आप लगातार चिल्ला रहे हैं, मुझे जाना तौसीफ साहब के पास। हाँ, आपको आपको क्योंकि आपको सवाल का जवाब नहीं देना, आपको थिएटर करना अच्छा आता है, और मैं आपका रिकमेंड करना चाहता हूँ सैयद जवाद। मैं चाहूंगा डीडी नेशनल पर जो ड्रामा होते हैं ना, उनमें आपको एक रोल मिले। मैं उनसे बात करूंगा कि आपको डीडी नेशनल पर जो सीरियल्स बनते हैं, जो ड्रामे होते हैं, उस ड्रामे के लिए आपको जो है चुना जाए, क्योंकि आप डिबेट से ज्यादा ड्रामे में इंटरेस्टेड होते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप जरूर ड्रामा कीजिएगा, और दिल्ली में अच्छे थिएटर हैं, जाइए वहां पे ड्रामा कीजिए, बहुत बढ़िया, आप अच्छे एक्टर बनेंगे। सही तौसीफ साहब, तौसीफ जी जो सवाल वो उठा रही हैं, कह रही हैं कि भाई ये सबको सामूहिक रूप से एक बात करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वहां की अदालतें भी बार बार ये बात अंडरलाइन कर रही हैं। तो अगर अदालतें भी बार बार ये बात कह रही हैं, तो हमें कुछ तो सुनवाई करनी, कुछ तो एक्शन मोड में सरकार को दिखना चाहिए ना। देखिए अशोक जी, ये मुद्दा जो है ये प्योर क्रिमिनल ऑफेंस है, और प्योर क्रिमिनल ऑफेंस एक समाज में बदलाव लाने वाली बात है। तौसीफ जी माफी चाहता हूं, मैं एक कोई पार्टी का मामला नहीं, तौसीफ जी जैसे बीजेपी ने कहा कि बीजेपी वर्कर है, उसके साथ तृणमूल ने ऐसा किया, यही तो बीजेपी का आरोप है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अफवाहें ना फैलाएं। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत घिनौना ऑफेंस है कि महिला के खिलाफ ये एक वायलेंस का एक्ट है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मतलब ये जो है हादसा है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के बंगाल पुलिस और चीफ मिनिस्टर ने कौन पल्ला झाड़ रहा है, मुख्यमंत्री कौन पल्ला झाड़ रहा है, आप योगिता जी क्या कह रही है, योगिता जी कह रही है कि आप इसको सोशल बता करके आप सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। योगिता जी अन्याय कर रही हैं बंगाल की महिलाओं के साथ, इसको पॉलिटिकल कलर दे करके, कृपया करके योगिता जी कृपया करके पॉलिटिकल कलर मत दीजिए, ये क्राइम अगेंस्ट वुमन है, क्राइम अगेंस्ट वुमन को वही रहने दीजिए। पता क्या होता है, बीजेपी तृणमूल मत बनाइए, पता क्या होती है दिक्कत, पता क्या होती है, जब योगिता बायना जब 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 हाथरस उठाती है तो बीजेपी कहती है कांग्रेस की है, जब ये अब बंगाल का उठा रही है तो बंगाल में जो है तौसीफ साहब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की कम्युनल कलर दे रही है। तो भैया आप महिलाओं की बातों को इस तरह से, महिला जब सम्मान की कोई महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो कम से कम उसको सब लोग सामूहिक रूप से सुने और उस पर स्वीकार करें कि क्या गलतियां हुई हैं, एक दूसरे के पाप गिन, एक दूसरे की गलतियां गिनाने से स्टेट में ये हुआ स्टेट में हुआ कुछ हासिल नहीं होगा। सही जवाब जल्दी से, क्या आपको लगता है बंगाल जाना चाहिए राहुल गांधी और बाकी ऑल पार्टी मीटिंग को टीम को कि भाई वहां पे फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजनी चाहिए और रिपोर्ट उस पर तैयार करनी चाहिए देश के सामने? नहीं देखिए, अगर महिलाओं के अपराध की बात आती है या कहीं पर भी उत्पीड़न की बात आती है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा जो है महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और मैनिफेस्टो के अंदर भी उन्होंने बड़ी इसी तरीके की बात कही थी कि हमें और भाई साहब कौन सी बात कर रहे हो, कौन सा गठबंधन अच्छी महिलाओं के संरक्षण की बात करता है, मुलायम सिंह यादव क्या बात कर रहे हो, कौन सी गठबंधन, कौन सी पार्टी, एक एक के चिट्ठे हैं हमारे पास, एक एक के चिट्ठे हैं हमारे पास, सही जवाब, अरे कौन सा इंडिया गठबंधन की समय तोल दिया, योगिता जी सही जवाब सही जवाब गंभीरता से मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जब महिलाओं पर अपराध को लेकर आप कांग्रेस जी बीजेपी स्पीकर लिख लें सर, एक मिनट प्लीज ओके, मैं सिर्फ तौसीफ जी फिर मैं पूछ रहा हूँ आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पर जो सुनिए सर तौसीफ जी मेरे सही जवाब मेरा सवाल सुनिए
बीजेपी कह रही है कि भाई उस महिला कार्यकर्ता के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो बीजेपी की थी, टीएमसी ने किया। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें पारिवारिक मामला है। मैं आपसे पांचवी बार पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम को, जो संविधान के रक्षक हैं, उनको जाकर के वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजनी चाहिए कि बीजेपी सही बोल रही है या कांग्रेस सही बोल रही है, भेजनी चाहिए आपको? आपको लगता है मणिपुर की तरह लगेगा, वो बिल्कुल उचित स्टैंड लिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पूरी पार्टी सर स्टैंड लिया जाएगा। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है, स्टैंड नहीं लिया जाता। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, जो संविधान के रक्षक बनते हैं, मुझे 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 मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है बीजेपी का आरोप गलत हो सकता है, टीएमसी जो बात करी है वो गलत हो, तो भैया संविधान के रक्षकों को वहां एक टीम भेजनी चाहिए फैक्ट फाइंडिंग। लेकिन बंगाल में जो होगा उस पर जो है कांग्रेस, राहुल गांधी खामोश हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो लोग मणिपुर पर बोलते हैं वो बंगाल पर खामोश क्यों हो जाते हैं? मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं, महिलाओं के साथ हाथरस में हो, उन्नाव में हो, बंगाल में हो या फिर कहीं पर भी हो, मणिपुर में, सब पर एक स्टैंड लीजिए। अगर हम चाहते हैं वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना, अगर हम गंभीर हैं तो फिर, नहीं तो राजनीति करनी है तो करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद।